नगर परिषद इंदरगढ़ के चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई। नगर परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा के उम्मीदवार गौरी रामस्वरूप मंडेलिया ने और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा पार्षद संजीव कुशवा ने निर्विरोध जीत दर्ज कर अपनी पहली बार भाजपा का कमल दिखा। सुरक्षा की दृष्टि से तमाम पुलिस प्रशासन अपने दल बल के साथ तैनात रहा। नगर परिषद इंदरगढ़ चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ओर से श्रीमती गौरी रामस्वरूप मंडेलिया ने प्रस्तावक विनिता टिंटू राठौर समर्थक रवि चौरसिया के साथ अपना अध्यक्ष का नामांकन चुनाव अधिकार सूर्यकांत त्रिपाठी को प्रस्तुत किया। संजीव कुशवा ने भी प्रस्तावक सुमित उपाध्याय के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। तय समय के अनुसार किसी उम्मीदवार को दोनों पद पर कोई नामांकन नहीं प्राप्त हुआ, जिस पर चुनाव अधिकारी सूर्यकांत त्रिपाठी ने अध्यक्ष पद पर श्रीमती गौरी रामस्वरूप मंडेलिया और उपाध्यक्ष संजीव कुशवा को निर्विरोध विजय घोषित कर दिया। विजय ही घोषणा होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और भारी आतिशबाजी कर जश्न मनाए। अध्यक्ष चुनने के बाद गौरी रामस्वरूप मंडेलिया ने भाजपा के सभी पार्षदों, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बदोलिया, प्रभारी मदन कुशवा, मंडल अध्यक्ष रामलखन गुर्जर, समर्थन करने जनता को धन्यवाद दिया। पहली बार मिली भाजपा की जीत से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। ढोल लगाड़ा और आतिशबाजी के साथ जीत का जश्न मनाया गया। तहसीलदार सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने नगर परिषद को दुल्हन की तरह से सजाया गया और चुनाव की समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई। मतदान स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से SDOP हरिजन कल्याण राजू रजक, नायब तहसीलदार दीपक यादव, नायब तहसीलदार मोहनी साहू, थाना प्रभारी परमानंद शर्मा अपने पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे, जिसके चलते चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार गौरी अपने पति रामस्वरूप मंडेलिया के साथ मतदान स्थल की ओर आती हुई जीत के बाद स्वागत होता हुआ।